हर महीने हम रैली करते हैं, एक बड़ा भारी रोष है हमारी बिरादरी के अंदर कि जो रिकमेंडेशंस अक्टूबर 2014 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने की थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो रही। पैसा तो एक अलग मामला है, लेकिन हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक रोज़गार का पैकेज हो, इस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही। अब हमने 1,00,000 वाइट पेपर छपवाए हैं, श्वेत पत्र, वो हम घर घर बांटेंगे। हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे पुंछ से लेकर कठुआ तक और आरएसपुरा से लेकर कश्मीर तक, जहाँ जहाँ भी हमारी जनता रहती है सबके घर तक ये पहुँचाया जाएगा। उनको इस बात की सूचना दी जाएगी कि जो सबका साथ सबका विकास की बात है वो बिल्कुल बेमानी है। साथ तो सबका मिल रहा है लेकिन विकास कश्मीर का हो रहा है। आप देखें जिस तरीके से कश्मीरी विस्थापितों के लिए काम हो रहा है, उस युद्ध स्तर पर हमारे लिए काम नहीं हो रहा। तो हमने कहा है ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा था ये खोखला है। और आज जो 3 साल पूरे होने पर जो एक बहुत बड़े सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी इसके विपरीत है। वहाँ पर कुछ नहीं दिखता सिवाय इसके कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है।